हम यहाँ पर क्यों आए जहाँ वो कौन से ऐसे कारण बने जिसके कारण हमें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सीख करने के लिए आना पड़ा क्योंकि एक हॉस्पिटल में तो हम इलाज के लिए ही आते हैं क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि कोई सिम्टम्स होते हैं तो इमीडिएटली वी लुक फॉर डॉक्टर मुझे दांत में दर्द है पीठ में दर्द है मेरे पेट में दर्द है तो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि आई नीड अ फिजिशियन जिससे मैं पहले चेक करा लूँ बट जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर क्यों पहुँचे तो कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स की आज हम बात करेंगे कि शायद वो हम कितनी देर से इग्नोर कर रहे थे जिसके कारण वो उनका क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट हुआ जिसके कारण मेरी लाइफ बिल्कुल डिसफंक्शनल जिसके कारण मेरी लाइफ बिल्कुल अनमैनेजेबल और वो सारे तरीके मेरे फेल हुए अपने आप को ठीक करने के और अल्टीमेटली लास्ट रिजॉर्ट मुझे क्या मिला दिस हॉस्पिटल क्योंकि यहां आने से पहले कोई भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम कन्विंस नहीं होता वो अपने पूरे ए टू जेड पूरे तरीके करता है पूरी कोशिश करता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को तो हम वैसे ही नहीं कुछ समझते हमें लगता है कि नॉर्मल बातचीत या नॉर्मल घरेलू नुस्खे से हम ठीक कर लेंगे तो हमें यहाँ पे भी ऐसा लगता है सो so, अब आप लोग बताइए कि वो ऐसी इनकन्वीनियंस क्या थी जो फाइनली अब आपसे नहीं सॉल्व हो रही थी एंड यू लुक्ड एंड यू आर कन्विंस्ड कि आपको हेल्प की जो ट्रीटमेंट की जरूरत सो so, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं ठीक है क्योंकि जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइन एंड सिम्टम्स कहाँ दिखेंगे तीन चीजों में नंबर वन इज आपके मूड को लेकर नंबर टू आपकी सोचों को लेकर एंड नंबर थ्री आपके स्वभाव आपके बिहेवियर को लेकर ठीक है तो अब यहाँ इन तीन चीजों में इन हम कैटेगराइज करेंगे कि वो क्या चीजें थी जो हमसे मैनेज नहीं हो पा रही थी आ, इनको देना हर्ष। सो वन बाय वन ऐसी क्या चीजें आपको लगी जिनकी वजह से आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है बच्चे अननेसेसरी सो वन सेकंड अवली कैन वी मेक द लिस्ट ऑन द बोर्ड इन दीस थ्री कैटेगरीज या मिटा दो ठीक है आप ये तीन सेक्शंस ले लीजिए ताकि एवरीबॉडी हम लोगों को एक पूरा लिस्ट पूरा एक डाटा मिल जाएगा हमारे साइन एंड सिम्टम्स का कि सच में हमें इलाज की जरूरत थी क्योंकि ये ना हो हम कन्विंस ना हो और फिर हम हाफ हार्टेडली ट्रीटमेंट में आए और हम वापस चले जाएं तो मैम आप तीन सेक्शंस बना लीजिए तो अब आप लिखते जाना फिर हम बाद में उसको मैम आप बताइए बच्चे मैम जैसा अग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं घर में अग्रेशन।, अग्रेशन सब समझते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, जाना। तोड़ करना बात करने नॉर्मल नॉर्मल गुस्सा तो हमें पता चलता है हम लोग सब घर में सब घरों में होता है और उसका तो हमें पता उसका ही है थोड़ा जरूरत से और अगर उससे भी ज्यादा हो जाए तो किसी चीज की तोड़ -फोड़, करना। तोड़ फोड़ करना मतलब उसकी हाँ हाँ नहीं मिली उसकी बात नहीं उसकी बात नहीं हुई तो किसी तरह मनानी तो है देखना तो नज़ारे वो पूरे दिखाएगा नज़ारे वो पूरे दिखाएगा <coughs> <coughs> इसके अलावा और इसके अलावा ज्यादा तो सोसाइटी में हमें यही मतलब उठपटांगी लगता है कि ये तो सही नहीं है जो मतलब चीजें हमें लगता है कि एंगर है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है ठीक है गुस्सा हम सबको आता है एक नेचुरल इमोशन है बट उसमें हम अपना जहाँ किसी का नुकसान करने के बारे में नहीं सोचते हाँ और अपनी बातें शेयर ना करना चीजों को छुपाना सो so, सिक्रेटिव रहना, सीक्रेटिव रहना। हाँ ठीक है चीजों और, को बताना नहीं चाहे आप जितने मर्जी क्लोज हो चाहे ब्लड रिलेशन है चाहे जो मर्जी है अपने को एक्सप्रेस ना कर हाँ जी, हाँ सीक्रेट जी, रकना। सीक्रेट रकना, सीक्रेट रखना 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 बिल्कुल और फैमिली के साथ आपके साथ उनके कैसे रिलेशन थे आपसे बात करते थे हाँ मैम वो हमारे पास नहीं था एक्चुअली हमारे पास नहीं था ब्रॉड ही था वो तो फोन पे बात करता था मैं करता हूँ दस मिनट में करता हूँ पंद्रह मिनट में

हमने जो आ, मेरी बेटी है मेरे साथ बेटी में जो हमने देखा था एक तो सोशल विद्रॉल देखा था बहुत ज़्यादा किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था अकेले रूम में बैठी होती थी और चीज़ों को आ, मतलब अगर हम उससे बोलते थे बाहर आओ रूम के या मुझे अंदर आने दो तो वो उसके लिए तैयार नहीं होती थी कि वो प्राइवेसी की बात करती थी बहुत सिक्रेटिव हो गई थी उसके अंदर शक बहुत ज़्यादा हो गया था किसी के हाथ का पानी नहीं पीना और खाना भी नहीं खाना अगर Suspicious. वो हाँ बहुत ज्यादा हो गया था सोशल विड्रॉल सोशल विड्रॉल आइसोलेशन अपने आप को अकेले रखना और तीसरा पैरानोया एंड सस्पिशियन स्पेशली जब इट्स इस लेवल तक बढ़ जाता है कि लोग अपने ही पेरेंट्स के हाथ से ही नहीं खाना खाते बिकॉज़ दे डाउट कि शायद ये कुछ मिक्स करके ना हमें दे दे हुँ. ये चीजें और उसने 2 महीने तक खाना नहीं खाया Uh, शुरू में थोड़ा थोड़ा खाती थी फिर वो धीरे धीरे कम होते होते करीब फोर्टी फोर्टी फाइव डेज ऐसा हो गया कि उसने कुछ भी नहीं खाया और धीरे धीरे पानी भी वो कम uh, कर दिया टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट ठीक है जिसमें वो कह रहे हैं कि मतलब नॉर्मल हमें हाइड्रेशन के लिए पानी चाहिए अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए अंड खाना चाहिए मतलब कोई भूख नहीं लग रही है उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई और बाद में उसने तोड़फोड़ भी शुरू की Uh, okay. अपने रूम का पूरा ग्लास तोड़ दिया सारा सामान स्कैटर्ड कर दिया तब हम लोगों को लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है कॉलेज जाना बंद कर दिया तो ये सारे सिम्टम्स so, थे। एकेडमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई ठीक hmm. है एंड अग्रेशन hmm. आ गया नेक्स्ट। मैम स्टार्टिंग में मेरा पेशेंट एक तो कुछ चुप रहने लग गया था hmm. एक जैसे हमारे घर का ही फंक्शन था उससे मतलब सबके बीच में ना रह के अलग से रहना और जैसे कोई विंडो वगैरह बंद है या कुछ कवर है तो उसको हटा देना मतलब रोशनी करना या कुछ भी और फिर इसने खाना पीना बंद कर दिया खाने पीने में इसको थॉट्स आने लगे जैसे जैसे उसको खाने पीने की चीज में कुछ नजर आता था जैसे मैं किसी और को खा रहा हूँ जैसे शावर ले रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ कोई भी चीज खा रहा है सब में जैसे मतलब आ, जारी 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 हाँ जी मतलब, तो मेरी, sensory perceptions, मतलब मेरी जो फाइव सेंसेस हैं उसमें कोई एड ऑन स्टिमुलस हो गया जो सिर्फ मुझे दिख रहा है आसपास के लोगों को नहीं हाँ दिख, दिख रहा उसने आपको बोला भी होगा देखो पानी से कुछ आ रहा है आप कह रहे हो कि नहीं नहीं इसने बोला नहीं बट मैंने इसको जैसे बार बार पूछा तो इसने मेरे से शेयर करी ये बातें जो अनइजीनेस आप देख पा रहे थे आ, तो वो मैं जैसे इसको पूछती थी तो नहा क्यों नहीं रहा तो ये इसने बताया मुझे कुछ चीजें दिख रही थी जो सिर्फ उन्हीं को दिख रही थी इसलिए वो शेयर भी नहीं कर पा रहे थे आ, so, लिखे हेल्थ बहुत हो रहे थी। लिवर फंक्शन टेस्ट डिट्योरेट हो रहे थे बहुत ज्यादा सीक्रेट लाइफ चल रही थी बहुत ज्यादा झूठ फाइनेंशियल लॉसेस सामने आ रहे थे उस वजह से हमने सोचा कि वी शुड नाउ गो फॉर अ ट्रीटमेंट और घर के रिश्ते वो तो डिटोरेट हो ही रहे थे बिकॉज जहाँ झूठ है ट्रस्ट इतनी नहीं इतनी है, है तो वो चीजें बढ़ ही रही थी क्लास रिलेशनशिप ठीक है वर्क uh, और जिनका कोई भी होगा अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसकी उसमें तो पढ़ाई, में, पढ़ाई इफेक्ट हुई होगी यस सर हम विद्यार्थी बात आपको अपने बारे में यहाँ पे आके कुछ लगा कि कोई चीज थी जो आपको अनईजी कर रही थी एंड अच्छा हुआ कि आई नीड हेल्प फॉर दैट और मुझे वो सीख मिल गई वो हेल्प मैंने एक चीज सर से पूछी थी कल भी अगर ऐसा पॉसिबल है अगर कोई भी जाना दूसरों की माइंड में आके उस उनके माइंड को कैलकुलेशन उनके माइंड को रीड कर, कर सके और गाइड तो को पढ़ सके पढ़ सके और उनको गाइड करे तुमने क्या करना है क्या नहीं करना आपको लगता था कि आपकी सोचे चोरी हो रही हैं जो आपको लगता था कि आपकी सोचें दूसरा इंसान पढ़ सकता है हाँ जी अगर मान लो उन्होंने मेरे को पंच पोक किया जिस जो भी था अगर मैं उसको पोक करने की कोशिश करूं तो वो मेरे पे हंसते हैं इमेज बनती है मेरे माइंड में उस चीज की वो हंस रहे हैं और आपको ऐसे लगता था लोग आपके बारे में बातें करते हैं क्या लगता है पहले बहुत ज्यादा लगता था अब थोड़ा मिनिमल हो चुका है ठीक है थॉट इंसर्शन थॉट्स थॉट ब्रॉडकास्टिंग थॉट ब्रॉडकास्टिंग जो मैम लिख रहे हैं इसका मतलब कि जो मेरे अंदर सोच चल रही है वो ब्रॉडकास्ट हो रही है सबको पता लग रही है थॉट insertion का मतलब कि ये इंसान मेरे अंदर थॉट डाल रहा है अपनी थॉट और कई बार हमारी वो सोचे इतनी वो कहते हैं शक जब पक्का बन जाए कि मुझे यकीन है कि ये जो पीछे बैठे हैं पर्दे के पीछे वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं आई थिंक सबसे मेन तो जो मुझे इसमें से लग रहा है दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट एंड आइसोलेशन आई फील दैट इसके अलावा जो मिसिंग था दैट वाज इंटरेस्ट इन एनीथिंग लॉस ऑफ इंटरेस्ट लॉस ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ मोटिवेशन काइंड ऑफ या हाँ जी सर सभी थे मैं सभी थे फुल ऑन फुल चल ओके

कैसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट कैसे जैसे जब वो ड्रिंक करते हैं ना मेरे फादर तो उनको यही है कि मेरे को ड्रिंक मिल जाए बस और जब मेरे पास नहीं है तो उसी की तरफ ध्यान है कि मेरे को बस वही चाहिए किसी चीज में कोई इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं है और है ना बस उसी में है आसपास क्या चल रहा है कुछ नहीं है मेरे को बस दे दो मेरे को दे दो और एक रूम दे दो कि बस उसी में रहना है पी लूंगा कोई मेरे के साथ बोले ना कोई कुछ नहीं है जैसे पहले मेरे फादर ड्यूटी भी करते थे जैसे है ना बहुत साल से कर रहे हैं तो ठीक है जब से ज्यादा हुआ है उनका एडिक्शन तब से वो वो भी नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है कि मेरे को बस घर रहना है मेरे को बस इसी से मतलब है ड्रिंकिंग ही करनी है बस मेरे को सो दैट मीनस दो चीज़ें आएंगी डिपेंडेंसी एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ठीक है कि जहाँ पे अब मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ अल्कोहल पे और बाकी सारी चीजें मैं अपनी लाइफ से माइनस कर रहा हूँ लॉस ऑफ कंट्रोल की बेबसी मुझसे अब रुका नहीं जा रहा ठीक है जिसके कारण सारी चीज़ें लाइफ में से अब खत्म हो जा रही हैं हाँ जी हम वही शक करना हर एक बात में फैमिली पे भी और एग्रेसिव बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना किसी चीज़ के लिए भी स्टडी पर ध्यान नहीं होना बिल्कुल चाहते भी थे चाहता है अभी भी चाहता है कि मैं स्टडी करूं लेकिन वो पूरा अपना ध्यान नहीं लगा पाता स्टडी के लिए काफ़ी काफ़ी चेंज आया लाइफ में झूठ भी बोलता है कभी कभी जो शक वहम चलते रहते थे वो उसने सब कुछ अनइजी करके रखा हुआ था झूठ बोलना hmm. काफी था हाँ जी झूठ बोलना मेरे लिए नॉर्मल था आई अवॉइड सिटिंग इन अ गैदरिंग प्रेफर टू बी अलोन एंड कोई पसंद नहीं आता था और फ्रेंड सर्कल बस फ्रेंड सर्कल बस मतलब मतलब फैमिली को अवॉइड करना फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा रहना अच्छा एक चीज यहाँ दो दो रोज पूरी हुई हैं एक चीज मैं पूछूंगी कि पर्सनल हाइजीन कैसा रहा था वो किसी ने मेंशन नहीं किया पर्सनल हाइजीन के अपने नहाने को लेकर नहाने को लेकर कपड़े को लेकर सफाई को लेकर वेरी गुड अपनी वारी ग्रूमिंग वारी अपनी हाइजीन हाँ जी ये ए, मेरे बेटे में देखने मिला हाँ जी कि उसने जो है पर्सनल हाइजीन को जो है अवॉइड करना शुरू कर दिया और जो आदमी दो साल पहले इतना अच्छा रिजल्ट जो है उसने क्रैक किया कि आईटी विंग का टेस्ट पास किया और पूरे पंजाब में टॉपर रहा और अभी उसने उनतीस फरवरी को जो है ज्वाइनिंग किया और सीएम साहब ने सबसे पहले उनको जो है सम्मानित किया और वही आदमी जो है दस दिन के बाद जो है उस तरफ से किनारा करना शुरू कर दिया Avoided, हाँ जी सब चीजें जो है मतलब एक आ, मैंने तो पिछले वीक में था, दो दिन पहले वह वहाँ बोला कि मैंने अभी नौकरी का मन नहीं है मेरा मेरे घर ले चलो और इतना मतलब कि करने गया कि अभी तत्काल चलूंगा एक सेकंड में नहीं ठहरूंगा और उसके स्वभाव में आप क्या देख पा रहे थे में जैसे अभी ये सब बताया कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये बोल रहा कि आप मेरे बारे में यहाँ पूरा, पूरा बता रहे है पूरा बता रहे है कि आप मेरे बारे में पूरी नेगेटिव बता रहे है कि ऐसे को बोल रहे है यहां यहाँ भी बैठी हैं और पेशेंट भी बैठे हैं और आज ये जो सारी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये अब बोर्ड पे क्या लिखा जा रहा है बीमारी के लक्षण और कई बार हमें अपने बच्चे के अंदर नहीं तो नजर आ रहा अगर बाय द एंड हम ये खत्म करेंगे तो आ हम सब इससे रिलेट कर पाएंगे कई बार हम पेशेंट का परस्पेक्टिव नहीं शेयर कर सकते बट इस बच्चे ने करा उस बच्चे ने करा हितेश ने बोला मेरे अंदर तो सब कुछ था तो कम से कम अगर हम अपने बच्चे में नहीं देख पा रहे हैं कि ये बीमारी है तो अगर दूसरा पर्सन भी सेम बात कर रहा है तो इस प्लेटफॉर्म में एक बीमारी के दिमागी बीमारी के लक्षण डिस्कस किए जा रहे हैं जिससे हमारे को और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ वाकई में ये बीमारी है सिर्फ हमारा बच्चा नहीं कर रहा जिसको भी ये बीमारी है उसके अंदर ये सिम्टम्स हैं। जी तो सबसे सबसे जो बड़ा देखने में लिखा मिला के ये अपने में ही जो है खोया जा, है। सेल्फ जी सेल्फ हो गया जितने बहन भाइयों से जो है इतना प्यार से रहता था यहाँ तक कि अपनी मम्मी के साथ जो है दो तीन महीने पहले ज़्यादा मतलब जो है कट होना शुरू हो गया परिवार से कि खाली रहेगा तो बोले कहलाओ मम्मी मैं सब्ज़ी बना देता हूँ मैं फलानी चीज़ बना देता हूँ मतलब कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे पकवान भी बनाने जानता है तो शौक से बनाएगा और फिर सबको खिलाएगा लेकिन दो महीने से पहले से ही पता नहीं क्या हो गया अचानक ही देखिए एक चीज है कि जैसे हमारा शरीर बीमार होता है खांसी आती है जुकाम आता है वायरल आ जाता है उसी तरह हमारा ये माइंड ठीक है हमारी सोचे भी बीमार हो जाती है और एक ट्रायंगल जिसको हम हमेशा बोलते हैं वो है कि हमारी सोचे हमारे मूड को इफेक्ट करती है और वो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है जहाँ ट्रायंगल उल्टा चल पड़े ठीक है सो और वो हम लोगों में यही कमी थी हम लोगों की इस बारे में जानकारी नहीं थी समझ से बाहर तक ये एक बीमारी है क्योंकि इस चीज का एक्सेप्टेंस लाना की हाँ, मेरे सोचे बीमार है मेरा मूड मिजाज मेरे बिलीफ सिस्टम्स मेरे नज़रियात खराब है ये नहीं हमें लगता हमें लगता है कि ये तो कोई है ही नहीं बीमारी ये कौन सी बीमारी है जी जैसे इनको भी दस दिन पहले इस चीज का नहीं आभास हुआ था अभी इनको अपने आप भी पता चला है तो अपने आप तो बोला कि नहीं nah, पापा चलो इंजेक्शन मेरा लगने वाला है मैंने दो दिन से दवाई नहीं खाया अभी मेरे को लेके चलो फिर दोबारा मैं मैंने दो दिन के लिए रोका है की दवाई नहीं छोड़ना है समझाया इनको यही सब देखने को मिला है यस yes, सर मेरे में भी लगभग यही सब सिम्टम्स थे Sim और इसके अलावा एंग्जायटी एंग्जायटी के अलावा मतलब वो बेचैनी हमेशा मतलब क्या सोचे चलती रहती थी बेचैनी हमेशा चलती है जैसे एक पोजीशन में बैठा नहीं जाना एक पोजीशन में लेटा नहीं जाना चल नहीं फिर नहीं, नहीं, नहीं चल फिर नहीं सकना मतलब ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਚੇ ਚਲਤੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸਲੈਸਨੈਸ ਬੇਚੈਨੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਬਤਾਓ ਆਪਕੋ ਕੀ ਕੀ ਦਿਖਾ ਐਸ ਮਾਤਾ ਇਹ ਹੀ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੂ ਕਾਪੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਤਲਬ ਚੇਲਦਾ ਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਨੂੰ ਐ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰपीट ਕਰਨੀ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਰਾਤ ਕੋ ਵੀ ਮਰੋਣਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਸੀਗਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਇੰਹਾਂ ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਆਹ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਹਾਂ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਚ ਰਹੇ 30 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੀ ਓਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ 8 ਵਜੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੂੰ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾਵਾ

ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਸੋ ਮੜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਗੱਲ ਸੋ ਲੈਂਦੇ ਨਹਾਣੇ ਮੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤੇ تھے ਮਾੜੇ ਪਾਪ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਣ ਬੜ ਨਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਬੈਠੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੋਤੇ ਤੇ ਜੁਨੀਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਦਾੜੀ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਉਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ 11 ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਥੀਪੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ बतौर ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਲਰਕ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਂਜਾਇਟੀ ਕਿ ਜੋ ਅੰਸਰ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬ ਮੁੰਸੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮ ਸਮਝ ਰੇ ਸਿਟਾ ਆਪਕਾ ਟਾਈ ਹੀ ਮੇਰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਤੁਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਤੜਕਾ ਡਰ ਲਗਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ दारू ਜਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸਕੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜਿਆਦਾ ਐਲਕੋਹਲ दारू ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆਪ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਦਿਜੀਏ

ਅਬੀ ਲਿਸ ਅਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਬੜੇਗੀ ਮਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਆਪ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਬਿclesiastਾਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਡ੍ਰਿੰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਡਿਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ पाए ਫਿਰ ਬੇਚੈਨ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰਿੰਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡ੍ਰਿੰਕ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੀ ਵ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵੀਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਚੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਰ ਮਿਕੋਸ਼ਰਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਇਹ 10 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਲੱਕੀਲੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਆ ਬਰੌਟ ਹਿਮ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਵਾਟ ਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਰ ਆਪ ਉਸਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਥੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਅਵਾਇਡੈਂਸ ਬੜੋ ਅਵਾਇਡੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵਾਇਡੈਂਸ ਬਲੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਹੂੰ ਇਕ ਕੋਸਟਿਗਮਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੈਕਸਟ ਦੇ दीजिए ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦੀ ਬੜਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦੀ ਸੀ ਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਧਾਰ ਕਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲਾਡ ਲਾਡਾ ਨੇ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਰੋ ਦੇ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਟੱਬਨ मतलब माय वे इज द हाईवे मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं बंदा नहीं तो फिर मैं जसवीर अंकल फिर क्या फिर मैं अपना सही रूप दिखाऊंगा <laughs> हां जी नेक्स्ट हां जी हां जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਰੀਆ ਜਗਾ ਆ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਜੰਗਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਉਹ ਲੇਟ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਰੂਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਨਿੰਗ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹੋਮ कि हमारे जो घर से, से बाहर रहते हैं जहां घर से ही भाग जाते हैं ठीक है तो ये हमें लगता है कि ये कोई चलो ठीक है आ जाएगा वापस जहां कल आ जाएगा सुबह आ जाएगा चाहे जा सारा दिन घर से बाहर रहता है कोई बात नहीं दोस्तों के साथ ये बट ये अगर एक पक्का पैटर्न बन जाए तो गड़बड़ और क्या लगा आपको गांव से 15 दिन तक यही वेंदे रहे अभी मतलब ये चाल चलनी वेंदे रहे सानू समझ नहीं लगदी फिर घर आउंदा वा रोटी खा के चल जांदा वा आउंदा वा चले जांदा वा ਫਿਰ ਹੋਲੀਵੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬੇਚਾਂਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਚੰਗੇ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਲਿਖेंगे ਜਹਾਂ ਪੇ ਘਰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਹੀਗਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਦੋ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ

इसका मतलब है अब आप उसको गंदा बोल रहे हो खुद ही नहीं गलत और गंदा शब्द नहीं हम हॉस्पिटल में यूज कर दे आपके बेटे को एक बीमारी हो गई है सिंपल आप देखिए हाँ इस बीमारी के सिम्टम्स कहाँ दिखेंगे जो हमने बोला स्वभाव में ठीक है क्योंकि वो बीमार है तो अब उसके लक्षण कहाँ दिख रहे हैं उसके पहले तो बहुत था कि बात ही नहीं करता था किसी के साथ देखा अब मलेरिया होगा तो, तो, तो सिम्टम्स कहा हम हम तो हमारे, में, में, हमारे मूड में जहाँ हमारे स्वभाव में अब आप देखो कि वही जो बच्चा बहुत अच्छा था अब जब बीमार हुआ तो वो झूठ बोलना शुरू हो गया जिद्दी हो गया ठीक है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा ठीक है सर ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੇ ਮਸਲਾ ਡਿਟਨ ਆ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦਸ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ even ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂਦਾ 15 ਮਿੰਟਸ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 20 ਘੰਟੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਸਪੰਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈਕ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਿਪ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਤੂੰ फेर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਪਰਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ। ਥਿਸਪਾਈਟ ਬੀਇੰਗ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਯਰ ਸਮ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

फेल पॉइंट मैं सम्मान इज नहीं कोई चीज कोई मुझे फॉलो कर रहा है कोई मुझे नुकसान पहुंचा रहा है कोई कैमरा मुझे मतलब देख रहा है मेरी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है हाँ जी ठीक है आ, शायद घर में पे भी अगर कोई लगा हुआ है सीसीटीवी तो हाँ, ये हाँ, मेरी मूवमेंट्स हाँ, को लगा। लगा। ही घरच भी मैम के जदा रिकॉर्डर लाए पेरेंट्स यकीन नहीं नो ट्रस्ट कि कोई भी वो बोलता या तो मेरे तो अंदर कोई मेरे अंदर फिर कमांड कर कर रहा है कि ऐसे अब देखो मलेरिया अगर आपको होगा इनको होगा तो सिम्टम्स सेम आएंगे ठीक है इसी कारण इनकी बीमारी और आपकी बीमारी बिल्कुल सेम है इसलिए सिम्टम्स मोर और लेस सेम आएंगे क्योंकि जो उस क्लस्टर की बीमारी होगी तो उसके सिम्टम्स जो उसके होंगे लक्षण वो आपके और इनके सेम होंगे क्योंकि अगर मलेरिया आपको है तो मुझे भी तो वही सिम्टम्स आएंगे अगर मुझे कहीं हुआ तो ठीक okay. है तो आप देखो कि ये हम कितनी देर तक इन चीजों को छुपाते रहते हैं हम बताते ही नहीं है हम खुद के साथ ही जूझते रहते हैं okay. और उसके बाद जब फैमिली को भी बताते हैं और फैमिली भी क्योंकि राइट डायरेक्शन <laughs> नहीं होती तो हम कितना समय उस बच्चे की मिजरी को बढ़ाने में बढ़ा देते हैं। अब okay. आप देखो कि एक बीमारी जिसको अगर हमें बुखार आता है तुरंत कहते जी डोलो दे दो हमें पैरासिटामोल दे दो बट आप यहाँ पे देखिए कि ना उस बच्चे को पता लग रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और जब वो बताता है तो दूसरे भी उसकी हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता तो ही, ही नहीं होता कि ये बीमारी के साइंस और सिम्टम्स हैं ठीक है अब हम आगे सेक्शन हाँ बेटा यू वांट टू से समथिंग हां वो एक जनरल नहीं 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 ये दोनों में नो एस्केप इजम हमेशा तो तुम हाथ खड़ा करते हो पूछ रहे हैं तो बोलनी रे मैं मैं 2016 इलाच आया ਪਰ 2018 ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜਾਇਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲਨ ਦਿਆ ਉਹ ਹਮ ਸਟਿਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਰਸੇਤ ਵੀ ਜਿੰਦ ਜੁਦਦੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਚਲਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਝੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਮੇਜ ਡਰ ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਰਹਤਾ ਹੂੰ ਉਹ ਮੁਝੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ इधर से कर दो जो जो अभी हो रहा है ना आज इसको यूज करो प्लेटफॉर्म को मुझे नहीं लगता आज तुम्हें जरूरत है आई डोंट थिंक सो इसमें से कोई भी ऐसा है जिस जो नहीं रहा मेरे में सारे ही होंगे सिवाय एग्रेशन के एग्रेशन की जगह आई क्राई मेरा रोने में ज्यादा निकलता है ओवर क्राइंग हर बात पे आई जस्ट क्राई क्राइंग स्पेल्स लिख दो हम हर छोटी बात पे, हर छोटी बात ना, पे और हर, हर ना। छोटी बात पे सारे सिम्टम्स हैं इसमें तो मैं और बहुत ऐड कर सकती <laughs> <laughs> हूँ तो हम तो आज पूरा इस चीज को मतलब आप लोगों को कन्विंस कराने आए हैं कि देखो कि ये जो हम सिम्टम्स जिनको हम अब तक इग्नोर करते आ रहे थे ठीक है दे शुड नॉट बी मतलब एक प्रोफेशनल पे मदद मांगने से हम क्यों हिचके जाते हैं हम दांत का ट्रीटमेंट डेंटिस्ट से कराते हैं बालों का भी वी नीड द बेस्ट सैलून ठीक है बट व्हेन इट कम्स टू एक अपनी मेंटल हेल्थ को लेके तो इन साइंस सिम्टम्स से हम खुद ही लड़ने के लिए तैयार है कि वी आर केपेबल अच्छा जो बेचारा दिमाग सारा काम कर रहा है सोते हुए भी काम कर रहा है उसकी किसी को टेंशन नहीं है हाँ जी मैं मैं द ओनली चाइल्ड ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੜੀਆਂ ਚ ਆਈ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਡੈਡ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੀ 67 ਸੈਵਨ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਐ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਓਨਲੀ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਵਾ ਹੁਕਮਤ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਮੈਨਾਂ ਆਫਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਰੋਲ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਡੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲੀ ਜਿਆਦਾ 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 ਕੀ ਸੋਚੇ ਆਤੀ ਥੀ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਕਾਰਨ ਆਪਕੋ ਲੱਗਦਾ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਿਚਰੂ ਇਹਤੇ ਮੈਂ ਲੈਕ ਆਫ ਡਰਗ ਵੀਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਦੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਮੱਚਾ ਮੇਰਾ ਫਿਊਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਾਂ ਫਿਊਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜੰਗੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕ 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 ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫੇਸ ਕੇ ਫੇਸ ਫੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਸ ਸ਼ੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਮ ਹੋਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੜਾ ਪੇਨਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਖੁਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬੇਬਸ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਵੀ ਕਿਸ ਟਰੈਪ ਮੇਂ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਟ ਟਰੈਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਕਲਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਗ੍ਰੀਟ ਹਮੇਂ ਦਿੰਦਾ ਪੇਨ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਹਮੇਂ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਈ ਡੋਨਟ نو ਕਿ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹੁਣ ਪਤਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਪਲੈਸ ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ ਆਪਕੋ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਨ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਦੱਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਤੀ ਥੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਥਾ ਕਿ सेल्फ डाउट अपने ऊपर हमेशा डाउट चलता रहता है जिसके कारण लो कॉन्फिडेंस रहता है और उसके बाद आपने बोला कम्युनिकेशन ठीक है जबकि माय फील्ड वाज रिलेटेड टू दिस मैं बिल्कुल भी नहीं कर मतलब पा रही थी मतलब ही नहीं हो पाते मैं ऑडिशंस भी नहीं बना पाती थी मैं अपने अपने रूम में कैमरा के आगे ऑडिशन बनाना बंद बन कर दिया so, था सो लो सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ डाउट ठीक है हाँ जी सर क्या देख पाते थे आप अपने मैम ये तो सभी है मैम एक डिफरेंट था मैम जब मैं मतलब ठीक इस चीज़ से बाहर आ जाता था ना फिर अपनी मर्जी से फिर इस चीज़ में चला जाता था बाहर आ जाता था चला जाता था मुझे मतलब कि ये आसान लगने लग गया था मतलब मतलब मैं, मैं अपने आप ही ठीक हो जाता हूँ कुछ देर आप ठीक रहे फिर उसके बाद आपके अंदर सोच आती है कि आप मैनेज कर लोगे ठीक है आप अपनी समझ अपने ओवर कॉन्फिडेंस को लेके आते हैं और आप फिर वापस घिर जाते हो तो फिर अपने आप ही ठीक हो जाता था बट ये जो प्रोसेस चल रहा है किया छोड़ा फिर उसके बाद घिरे फिर शुरू किए इसमें जिंदगी कहाँ गई और कुछ नहीं करना हमने एक इस बात में मैम फैमिली भी बहुत फंसती है कि ये ना छोड़ लेता है ये पाँच महीने छोड़ लेता है ये छः महीने छोड़ लेता है मगर छोड़ लेना प्रॉब्लम नहीं है ना छोड़ के शुरू कर लेना और रुक ना पाना और उस उस दौरान जैसे मैम ने कहा आपकी ज़िंदगी क्या चल रही है ये लाइफ तो नहीं है ना वो डिसऑर्डर है दैट इज़ द इलनेस पीछे दे देंगे दे 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 दे। अच्छा मैं जब आई थी तो मैंने सोचा था कम से कम कोई लिस्ट बनेगी कोई कहेगा 5 दस हमारे साथ रिलेट होते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ बोलेंगे सारे हमारे साथ मैच हो रहे हैं जब मैं ना बोलूं नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 ये पूरे ये पूरी आर्क सेक्शन बोलेगा द प्रॉब्लम इज दैट मेरे को ये लगता है जब लोग बोलते हैं ना कि नोबडी कम्स फॉर ट्रीटमेंट एक बार सर ने बताया था कि अपना बाकी सारे अपना एरियाज में ना बॉडी के पेन रिसीव करने के अपना होते हैं पेन न्यूरॉन्स होते हैं पेन न्यूरॉन्स होते हैं और हमारे ब्रेन में ब्रेन में नहीं होते हाँ तो दैट पर्सन हु हैज पेन वो हॉस्पिटल भागता है hmm. हमारे जो पेशेंट्स हैं मतलब मैं भी मैं हॉस्पिटल मतलब हम बोलते हैं कि हमें क्या जरूरत है टू कम टू दॉस्पिटल रीजन मेनलीफ दीजन इलाज थोड़ा सा डिले हो जाता hmm. uh, तो, uh, so uh, है दूसरा लॉन्ग टाइम बट आई स्टडीड ऑन एट सो मच इन साइड जो है इट वॉज ऑफ टर्मिनलिकस टर्मिनल यूनिकनेस और यू कैन कॉल इट ग्रेडियोसिटी ऑल्सो सो आई मीन आई वो सो मच इन फियर कि भी मेरे बाहर कोई बेइज्जती ना कर दे और ना कर दे बिकॉज मेरे को अंदर से पता था कि मैं कमजोर इंसान हूँ hmm. तो उसकी वजह से आई हैड दिस प्रॉब्लम सो so, uh, ने बोला कि जब हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि मैं यूनिक हूँ मतलब मैं निराला हूँ ठीक है ग्रेंडियोसिटी और उन्होंने बोला ईगो ग्रेंडियोसिटी मतलब कि अहंकार कि मेरे जैसे कोई है ही नहीं और ईगो ईगो मीन इसका सिंपल कह देते हैं हम एग्जिट गॉड आउट ईगो का मतलब इसका मतलब इसका कि भगवान बाहर मैं अपना खुदा आप जब आपका ये परसेप्शन बनने लग जाए कि मैं ही खुदा हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो वो एक वार्निंग साइन है अपना निधि वो जब एक पर्सन के अंदर आता है ना

तो इट्स अ वेरी टफ जॉब उसको अपने करने के लिए आ, uh, इतनी एग्जाइटी होती है इतनी पेन होती है दैट लीड्स टू यू हैविंग योर वन मोर ड्रिंक ऑल द ऑल द टाइम सारा कुछ ज्यादा ज्यादा वाला बड़ा बड़ा वाला चाहिए था सी ओवर कॉन्फिडेंस शुरू तो इस मतलब हमारे hmm. पेशेंट्स वो हैं जिनके पास सब कुछ है पर वो डिससैटिस्फाइड हैं डिसकंटेंटेड हैं दे हैव गॉट बेस्ट ऑफ द थिंग्स इन देयर लाइफ बट फिर भी उनके अंदर तसल्ली नहीं बड़े की होड़ ठीक है हाँ जी मैम हाँ जी मेरी बेटी को भी सोचो की बीमारी है हाँ जी इसको लगता है कि मेरे माँ बाप मेरी जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं है। मेरी मेरे साथ लड़के लगाते हैं और इसको ये भी है कि मैं बीमार नहीं हूँ तांत्रिक के द्वारा मुझे बीमार किया गया है वैसे सीए की हुई है है इसने और अपना काम भी तो लगन से से परिश्रम करती है। अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है अब डॉक्टर साहब ने इसको बोला तुम थोड़ा सा जॉब से रिलैक्स ले लो अब इसके दिमाग में यही घूमी जा रहा है कब कू जो मैं ठीक हूँ आप लोग मुझे बीमार कर रहे हो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मतलब एक चीज को पकड़ती है छोड़ने का ना so सो थॉट फिक्सेशन एक सोच आई उसी पे फिक्स हो जाना अड़ जाना और वहीं पे घरारी उसी हाँ, पे घूमती हाँ, रहती हाँ. है हेलो में आप बताओ हैं भी बेटा? भी हाँ जी बताइए आप आ, की बता अच्छा आप आ <laughs> फिर भी मेरे अच्छा, मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे बिहाफ पे कर देती हूँ यहाँ पे आए उनसे पूछो कि वो रेडी थे उनको लगता था उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है जो आपके मदर ने बोला मुझे... कि ये रिसेप्शन था सो आज एवरी कि इन सबको भी लगता था बिकॉज यहाँ पे जितने भी लाए होंगे नाइनटी नाइन परसेंट इनको कौन लेके आया उनकी फैमिली क्योंकि जो इस बीमारी में बीमार है उसको उसकी बीमारी बेटा नहीं दिखने ठीक है यहाँ पे किसको बीमारी दिखती है जो आपके आसपास वाले हैं और उनको भी भारी कहाँ दिखेगी आपकी सोच में आपके स्वभाव में और आपके मूड को देख के उनको दिखेगा क्योंकि जो इस बीमारी में है उसको नहीं दिखना ये पक्का है क्योंकि बुखार में मुझे लग जाता है कि यार गर्म हो गई हूँ तो मैं थर्मामीटर से चेक कर लू इस बीमारी में मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कभी भी नहीं लगेगा फिर एक टाइम पे लगेगा कि मुझे तो दवाइयों की भी नहीं जरूरत है हाँ अच्छा, तो 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 दो, दो, तो आप <laughs> कुछ भी जो आप शेयर करना आपको क्या लगता था हाँ, 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 कि मुझे ऐसा डिल्यूजन जैसा कुछ लगता था पहले लगता था हो गया है बट उसके बाद जब मैं अपनी रियल स्टेट में हूँ जिसे कहते हैं फिर वो मुझे लगता था कि जो मुझे पास्ट में हुआ है वो कुछ अजीब सा ही हुआ है जैसे कुछ अजीब सा दिखा कुछ अजीब सा फील हुआ जो भी है वो मुझे मुझे ऐसे होता था तब फिर मुझे याद रहता था कि मेरे साथ ये हुआ है ऐसे। और तब वो आपको सच लगता था और रियल स्टेट में आने के बाद वो होता था ये कहाँ से हो गया कैसे हो गया क्या आप उसको एंजॉय करते थे कि तकलीफ में होते थे उससे मतलब मुझे खुद ही नहीं पता क्या हुआ है बस इतना पता कि कुछ अजीब सा मेरे साथ चल रहा था और आपको था। वो तंग करती थी चीज मतलब डाउटफुल रहती थी फिर जब मैं बिल्कुल रियल स्टेट में हो जाती थी तो मुझे लगता था ये क्या हुआ तो थोड़ा सा डिफरेंट सा ही कुछ डिल्यूजन टाइप कुछ अजीब महसूस तो मतलब कुछ मतलब आपकी बॉडी के साथ कुछ अनयूजुअल हो रहा हाँ फर्स्ट टाइम जब मैं टू इयर्स पहले आई थी तब मुझे साउंड सुनाई देती थी जब मतलब ऐसी कुछ सुन रहा है जो रियल नहीं है मुझे तो मुझे वो भी पता लग जाता था कि साउंड सुनाई दी है जो रियल नहीं थी पता लग जाता था बट सब अनयूजल चीजें पता लग जाती थी पर वो कहाँ से आ रही है ये नहीं पता कितना टफ है देखो आप अगर आप पेशेंट के साइड पे खड़े होके कि ऐसा हो रहा हो, और आपको पता भी है मगर फिर भी यू कैन नॉट हेल्प कई इसको... बार तो इतनी कमांडिंग वॉइस होती हाँ। हैं कि वो आपको पूरे कमांड करती हैं कि उठो चलो यहाँ से कूद जाओ किसी की गाड़ी खोल दो ठीक है इफ अनट्रीटेड मतलब यहाँ तक ये यह आवाजें आपको पर... हाँ जी क्या हो रहा बेटा चेंग, चेंग अच्छा यहाँ पे जितनों ने अभी डिस्कस किया है किसी को अपने आप को नुकसान पहुंचाने का ख्याल कितने कितनों को आया ठीक सेल्फ हार्म सुसाइडल सेल्फ हार्म सुसाइडल आइडिएशन आपको भी फिर भी आती है फिर भी, फिर भी इच्छा <laughs>

जागते ही रहना सोना ही नहीं गलती सेकंडली हाइजीनिक नहीं रहना कोई सफाई नहीं शरीर की नहाना नहीं दो दो दिन नहीं नहाना और फिर थॉट्स चेंज होनी शुरू हो गई थॉट्स के साथ इसको क्या हुआ फिर जैसे मेरा मोबाइल हैक हुआ है मेरे ऊपर किसी ने जादू टूना किया है आप वहां से करवा रहे हो मेरे ऊपर जादू टोने करवा रहे हो आप गंदी खेले खेल रहे हो मेरे पीछे लड़के लगा रहे हो ऐसी थॉट फिर उसके बाद इसने बोलना शुरू किया मेरे को आप बोल रहे हो मैं पढ़ पा रही हूँ आपको आपने क्या बोला मैं आपको सुन पा रही हूं आपको पता है मेरे को सब पता चल जाता है ऐसी थॉट रही है इसकी और जैसे ही ये सी करने के बाद गई वर्क प्लेस पे भी पहले तो घर से ही काम करती रही वर्क फ्रॉम होम रहा एक दो बार झगड़ा हुआ कंपनी में तो मैंने फिर बीच में सॉर्ट आउट करा दिया रेजिग्नेशन तक डाल दिया था इसने गुस्से में आके तो मैंने वापस करवाया फिर समझा के भाई ऐसा नहीं आ, आपके पास कोई दूसरी जॉब है आप क्यों छोड़ रहे हो जब दूसरी आ जाएगी तो रिज़ाइन दे देना फिर इसने मान लिया मेरा कहना उस पर रिज़ाइन वापस लिया देन दूसरे पार्ट अपने कुलीग्स के साथ झगड़ा फिर जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन की वहां पे तीन महीने हुए, तो हुए अभी गुड़गावा में बार बार चेंज तीन महीने हुए अभी वहां पे भी इसके थोर्स आने शुरू हो गए आप मेरे चाचू को वहां से प्रवोक कर रहे हो वो कंपनी में मेरे को एस्टेब्लिश ना होने दे मेरे कुलिग है वो मेरे को टाउंटिंग करते हैं मेरे पे हंसते हैं अब आप देख रहे हो कि सोचों का कंटेंट ठीक है कंटेंट कैसे आ रहा मे... है कि मुझे मेरे अपनों पे ही इतना डाउट हो रहा है और वो इतना शक यकीन में बदल गया है कि मुझे लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स ही कंस्पायर कर रहे हैं और मेरा जो कुलीग इसके, senior है इसके सीनियर हैं वो मेरे साथ कंफर्ट होना चाहते हैं यहाँ तक थोड़ इसकी चली गई थी बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ पाई दवाई दवाई ले, लेनी शुरू करी बीच में यही दिमाग आने में मैं तो ठीक हूँ मेरे को दवाइयाँ ऐसे ही दवाई जा रही हैं आप जितनी मर्जी दवाइयाँ दिलवाओ तो मैं मेरे को कुछ नहीं होने वाला आप मेरे को चाहते नहीं हो आप मेरे को मेरे से और हेट करते हो कहीं कहीं हमारा भी आज फैमिली डिनाइल था क्योंकि इसने एग्जाम क्लियर किया हमें लगा ठीक हो गया अच्छे मार्क्स आ गए मैं डिनाइल नहीं था लेकिन हम इतना इसको सीरियसली नहीं ले पाए थे तो को हम यहाँ मानत तो, मानते हैं पूरा या हम नहीं मानते हैं। मेरा ये थॉट था भी ये दवाइयाँ ले रही है और दवाइयों से ठीक हो जाएगी स्लोली स्लोली ठीक होना शुरू हो जाएगी तो इसने भी मेरे को एश्योर किया कि मैं अब ऐसा काम नहीं करूंगी हाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि जिन दवाइयों से हमने ठीक होना था अब उस बच्चे का उसी पे शक शुरू हो गया कि ये दवाइयां मुझे ठीक करने की जगह शायद और खराब कर और, और खराब करने के लिए अभी भी करती है और ये आपके साथ नहीं हुआ यहाँ पे बहुत सारा ये आपको कॉमन सिम्टम दिखेगा उनको आपनेस पैरानोया कहा दिखता है उनकी मेडिसिन को लेके ये, क्योंकि शक का है ना अब वो शक कहाँ ट्रांसफर हो गया दवाइयों को लेके थेरेपिस्ट को लेके ट्रीटिंग टीम को लेके कि ये शायद मुझे मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं मेनली इसको अभी तीन जो इश्यूज हैं वो ज्यादा तंग कर रहे हैं एक तो मेरा मोबाइल ये इसमें से निकल चुकी है अब जादू टोने पे आ गई काला जादू कोई हमको तो मालूम नहीं मतलब वो के भाई बहन अभी भी पूछ रही थी दो चार रोज पहले पूछ रही थी भाई मैंने सर से पूछना है कोई है ऐसा कोई ऐसे कर सकता है मेरे को हिप्नोटाइज कर सकता है कोई मैंने देखा है हिप्नोटाइज हो जाते हैं लोग ये पूछ रही थी और वर्क प्लेस पे दो महीने के बाद अगर मैं जाऊंगी भी वर्क प्लेस पे तो फिर लोग मेरे से शरारते करनी शुरू करेंगे फिर मेरे से कंफर्ट होना चाहेंगे सिलसिला चलता रहेगा हम होगा। हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम लिमिट भी है उस पे करें, so अच्छा। मेरे पेशेंट में दो सिम्टम्स सबसे ज्यादा बड़े थे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस हैंडल नहीं करते थे वो स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते थे जब उनको स्ट्रेस होता था घर में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो ड्रिंक करके उसको हैंडल कर लेते थे अदरवाइज उनसे हैंडल नहीं होता किसी भी तरह का पेन पुअर कोपिंग मैकेनिज्म हमारे पेशेंट क्योंकि तो मेंटल हेल्थ में एक चीज एक क्राइटेरिया कहता है कि जब हम डेली स्ट्रेसर्स को अपनी लाइफ में मैनेज नहीं कर पा रहे और उसके लिए कोई हम अनहेल्दी या फॉल्टी कोपिंग मैकेनिज्म ले रहे हैं देन नॉक नॉक मेंटल हेल्थ उस इंसान की ठीक नहीं हां जी जो मेरे पेशेंट में था कमिटमेंट कभी पूरी नहीं करती थी अगर कोई प्रॉमिस किया कभी पूरा नहीं करा कोई कमिटमेंट करें कभी वो आर्टिफिशियल लाइफ जीते थे इमेजिनेशन लाइफ बल्कि जो है नहीं उसको दिखाना और कुछ ऐसा कब अभी कभी खुद को कवर करने के लिए एक नया एपिसोड क्रिएट कर देना कि मेरी तरफ ध्यान ना जाए एपिसोड Manipulation. Manipulation, masking. <coughs> Family में करके रखनी आपको मेरे से मुझे से, create करो, करो और अपनी बीमारी हाँ। को रूल कराओ पूरे गोरे बने हुए थे हम ठीक है जी, आपने बोला था कि मैं यहाँ क्यों आया था मैं पेशेंट को यहाँ लेके क्यों आया हमारा रॉक बॉटम लग गया था मेरे पेशेंट का भी और मेरा भी बात हो गई कि बस खत्म हो गया चलिए नेक्स्ट सेशन का भी इस पे ही करेंगे कि रॉक बॉटम होता क्या, क्या होता है ठीक है लेट एवरीवन नो दैट मैं दो चीजें बोलूंगा मुझे मेरे पेशेंट से डर लगने लगे गया मैं तो पेशेंट एक जो आपका अपना प्यारा है आपको वो उग्रवाद लगना शुरू हो जाता है उसकी प्रेजेंस आपको इतनी ज्यादा थ्रेटनिंग लगती है कि आप कहते हो कि ये जम ये आज या ये नहीं मेरा घर आने को दिल नहीं करता देखो कितनी तकलीफ होती है मतलब आज हम जब ये बीमारी को देखते हैं आपके वो कौन है आपके अपने हैं आपके अंदर वो कितनी तकलीफ आप लोगों को होती होगी कि जब हम अपने सामने सब कुछ बिखरता देखते मैम एक्चुअली इस बीमारी में नाक बन जाता पैर के हर कोने में बीमारी दिखती है, घुस जाते चलिए एडिक्शन अगर प्रॉमिस करती है कि मैं सब कुछ ले जाऊंगी मैं ये घड़ी भी उतारवा लूंगी तेरे हाथों से ये कपड़े भी उतरवा लूंगी ठीक है रिकवरी वाइस वर्सा पूरी प्रॉमिस करती है कि मैं सब कुछ लेके आऊं, बट कंडीशन वो ये कहती है कि सरेंडर अनकंडीशनल सरेंडर अगर वो होगा तो रिकवरी आएगी तो आपने जिन चीज़ों को खोया वो वापस आप रिकवर ज़रूर करेंगे हाँ जी मैम मैम मैं अगर अपने पेशेंट की बात करूँ तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो कभी लेना ही नहीं चाहते थे एंड सेकेंड एस्केपिज़म मतलब कोई भी एडवर्स सिचुएशन है ना लाइफ में तो हमेशा उससे एस्केप करना और अगर इफ़ ही हैव टू फेस तो फिर उसके लिए नशा चाहिए मतलब बिना नशे के तो मुझे आई रिम्बर जब इनके फादर की डेथ हुई तो सेवन ओ क्लॉक इवनिंग हमारे घर डेड बॉडी आई तो रात के साढ़े दस ग्यारह बजे इनका ऐसा हाल था कि मम्मा मेरा सिर फट रहा है और मुझे नहीं पता था उस टाइम पे दैट ही इज़ इन द एडिक्शन तो इन्होंने अपना ड्रग लेने के बाद एक uh, जैसे बोलते हैं ना कि uh, अंदर जाके बेड पे और सो गए एंड आई वाज लिटरली शॉकड कि ये पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इनके फादर की डेड बॉडी लाइक घर पे है एंड ही स्लीपिंग तो मतलब उस दिन के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो है जो मतलब, मतलब इतना कोई इमोशनली कोल्ड yes, कैसे हो सकता आई exactly. एग्जैक्टली कि उसका अपने उसके फादर लाइक like, इस पॉइंट पे हैं एंड उसको इनडिफरेंट और वो कैसे डिटैच हो रहा बिल्कुल हां जी प्रणब के लिए ही वॉज प्रणब के पास मॉड्रेशन नहीं था मतलब या फिर वो लो होते थे उनके मूड में देर वज नो मॉडर मूड फ्लक्स में चाहे वो रिलेशनशिप्स हो चाहे वो अपना काम हो तो तो अगर अगर आज so, हाई फेस आया तो एनर्जी लेवल बढ़ गया बड़े बड़े आइडियाज आए हाँ। मतलब उसके बाद हम टिकते नहीं हैं इंटरस्ट्रेक्टेबिलिटी इम्पल्सिविटी सेक्स ड्राइव बढ़ जाती है फिर हम मतलब यारों के यार ठीक है महफिल जमाने में और वाइस परसा जब मूड लो हुआ तो फिर हम तो कमरे से ही नहीं बाहर जाएंगे हम उठ ही नहीं पाएंगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे इनकंसिस्टेंट बिहेवियर था बहुत इनकन्स्टेंट और दैट इज दैट वाज एविडेंट वो पूरा उनकी लाइफ में एविडेंट था नो दो महीनों में यूज टू तो लाइक फील बैड मेरा काम नहीं चल रहा 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 सो उसमें फिर मुझे ये नहीं करना इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि फलाने ने ये कर दिया उसने ये कर दिया सो तो मुझे अब इस चीज़ में इन्वेस्ट करके दो मैं ये करना चाहता हूँ फिर वो भी नहीं चलेगा ऑब्वियसली नहीं चलेगा फिर देन ही लुक फॉर समथिंग अदर फिर वो उसके लिए भी कोई बहाने होंगे तो इनकंसिस्टेंसी एंड मूड स्विंग्स कह लो या फिर हाईज एंड लोज देर वो इतने अंदर से फ्लाइट ऑफ आइडियाज आते हैं ये कर लेता हूँ बड़े ये वाला आइडिया फॉलो कर लेता हूँ ठीक है एंड यू फील दैट उसके बाद आप सडनली रैपिड उसके बाद शिफ्ट भी हो जाते हो क्योंकि मैं मेरे से नहीं हो रहा हूँ ठीक है आप रात को प्लान करके सोचते हो कि मैं ये करूँगा

तो सोशल सिचुएशंस अवॉइड करनी पे ज्यादा लोग होंगे तो रेपिटेटिव थॉट्स जो बार बार आते हैं ठीक है जिनके कारण आप फिर डिस्ट्रेस फील करते हो एंड लाइक एक मेंटल आ जाता है बिकॉज़ ऑफ़ सारा क्योंकि दिमाग को तो एक काम मिल गया वो सोचों का वो सोची जा रहा है सोची जा रहा हाँ है वो कंपल्शन में लग जाते उस रिचुअल को पूरा करते वो रिचुअल जब तक उसकी नहीं पूरी हो तो उसको रिलीफ नहीं मिलता Uh, I came here for the treatment of my injury. around uh, 14 years back. आई केम हेल it द ट्रीटमेंट ऑफ माई एंगी में क्या होता था mein में मैम uh, irrational thoughts आते थे जैसे कि मैं book पढ़ रहा हूँ तो उसके अराउंड जो पेज के अराउंड बैकग्राउंड uh, होती थी इन sense की टेबल है uh, और ऑब्जेक्ट्स हैं तो फोकस मेरा बुक पे नहीं रहता था वो उन ऑब्जेक्ट्स पे भी शिफ्ट हो जाता था एंड एक्चुअली किसी नॉर्मल ये मैन को ये लगेगा कि कोई सिंपल सी बात है किताब पढ़ रहे हो किताब पढ़ो बट uh, मेरे लिए वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बर्डन uh, हो गई थी एंड uh, उसी कारण आई हैड टू टेक हेल्प फ्रॉम सर और बट धीरे धीरे कई सिचुएशन में मेरी डिनाइल Uh, मेरी फैमिली की भी डिनाइल बीच बीच में इसके कारण ये चीज़ एग्रेवेट हो गई और रात से आई वॉज विद विजोप्रेनियम और uh, साथ में डिव्यूजन्स भी आते हैं मेरे को बट अराउंड टेन मंथ्स इन टू रिकवरी है आई एम फीलिंग आई नॉट बेटर आई एम डूइंग वेल इन माई पोस्टिंग वेल एंड आई एम हेयर Because of calmness and extraordinary uh, environment that is there in this meeting, uh, that really helps uh, to uh, continue with the process of recovery. So इन्होंने एक जो word used किया था कि I was diagnosed as schizophrenia जो हम बात कर रहे थे hallucination delusions की, so वो उसी के सारे symptoms होंगे जो हमने यहाँ पर लिखे ठीक है जी जो बच्चे ने एक शब्द यूज किया स्किजोफ्रेनिया ठीक है दैट मीन्स कि हम रियलिटी से कट गए ठीक अच्छा। है हमारी डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच हो जाती है सोचने का और बोलने का वो डिसऑर्गेनाइज और बॉर्डर में नहीं रहा ऑर्गेनाइज नहीं रहा मैम ट्वेंटी ईयर्स से मैं एडिक्शन में हूँ तो लॉस ऑफ कंट्रोल है काफी खुश है तो जैसे मेरे कल डॉक्टर साहब ने भी बताया था मेरे मामा की डेथ हुई थी तो तब मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे नशा किया जैसे मैम ने बताया कि मेरे हस्बैंड वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था तो फिर सुबह उनको लेके जाना था तो मेरे को नशा मिला तो तभी उनको लेके जा पाए मदर के जो मतलब रिचुअल्स थे वो हमारे को विदाउट सब्सटेंस हम कर ही नहीं पाए बिल्कुल और अगर हम अगर एडिक्शन की बात करें तो सिम्टम्स होगा एक्यूट क्रेविंग्स ठीक है और उसके बाद कंपल्शन क्योंकि जब वो क्रेविंग आती है तो मुझे कंपल्सिवली नशा करना पड़ता है फिर उसके बाद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ में हो रहे हैं मैं नहीं रुक पाता क्यों क्योंकि अब लॉस ऑफ कंट्रोल मेरा कंट्रोल नहीं रहा हेल्थ इश्यूज भी हैं मेरे को स्टंटिंग भी हुई है 3 थ्री ईयर हो गए हैं और शुगर भी है 20 ईयर हो गए तब से, से। हाँ जी नवीन मैम आइसोलेशन में रहना शुरू कर दिया था और एंगर बहुत आता था जब तक मैं अपना सब्सटेंस नहीं लेता था तब तक मैं चिड़चिड़ा रहता था इरिटेबिलिटी और गुस्सा आता था कि कैसे करूं मतलब बीच में कई बार ये भी हुआ कि यार छोड़ देता हूं इसको इसने खराब कर दिया सब कुछ बट वो एक दिन होता था कि हाँ आज किया आज कसम खा ली कि कल नहीं करूँगा वो सुबह होते ही जैसे छह बजने हैं सात बजे मुझे मेरा ड्रग चाहिए और जैसे इन्होंने बोला इनकी मदर के मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था मेरी मदर की डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी थी और मुझे रोना नहीं आ रहा था मैं रोना चाह रहा था कि मैं रोँ उनके पास भी जाके मैंने कई बार उनके फेस पे हाथ लगाया रोना चाह मैं बट जब तक मैंने ड्रग नहीं लिया तब तक मेरे आंसू नहीं आए और सुबह जब उनको लेके जाना था मतलब रिचुअल्स के लिए सब कुछ तो मुझे ये था कि पहले मैं अपना ड्रग ले लूँ फिर मैं जाऊँगा नहीं तो मेरे से जाया नहीं जाएगा फिर मैंने अपना ड्रग लिया फिर उनको कंधा दिया फिर मैं लेके जा पाया उनको। ये बहुत, मतलब हमें बना है, मतलब हमने वो सुने हुए रेप्टाइल्स बना है ना? ना तो हम वैसे ही होगा मतलब कुछ मतलब लग ही नहीं रहा था कि कोई डेथ हुई कोई है बाहर ही नहीं आ रहा था कुछ रोना तो निकल ही नहीं रहा था पीछे I am I am into recovery from last uh, one and a half year. So still I am ये character defects ही हैं सारे तो so अभी भी मैं character defects में जूझ ही रहा हूँ अभी भी Still मैं अपने आप को perfectly fine नहीं कह सकता like उसमें selfishness ये वो सब कुछ हो जाता है इन्वॉल्व सो रूटीन मेरी अभी भी ठीक नहीं है स्टिल आई एम फाइंड फाइटिंग विद दैट की सो वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है mm -hmm. जी मैम ठीक है नॉट इन परफेक्शनिज्म वो नहीं चाहिए वर्क इन प्रोग्रेस चाहिए हमें ठीक है मैम वही 33% डॉक्टर साहब कहते हैं कि करना चाहिए बट हो नहीं पा रहा इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई हम सब लगे हुए हैं ये इतना बड़ा काम ही तो है सारे कह रहे हैं काम नहीं है, है। मैम सब एडिक्शन है? है में मेरे को प्रॉब्लम्स आई थी इनकी जैसे आइसोलेशन में रहना करनी ध्यान हटाना क्योंकि जैसे घर में एंटर करना है तो एक पेशेंट को भी पता होता है मेरी भी मतलब वो फेस पे वो लुक आ जाता है तो उसको पता होता है कि ये टॉपिक छेड़ेगी तो पहले ही कुछ और मतलब बच्चों के साथ दो, कुछ करवा दो, कर दो हाँ बच्चे तंग करते हैं फिर बच्चों को बुला के आपस में हमें साइड कर देना और मूड स्विंग्स तो नहीं इतने थे लेकिन रूटीन नहीं था रात को चार चार बजे तक सोना नहीं है और फोन हाथ में पकड़े रहते थे तो वो चलता रहता था नींद में कभी उठ गया अगर टोक दो तो गुस्सा लगता था फिर लड़ाई होती थी और आइसोलेशन में अगर मैं जाके बैठी हूँ तो हमारा वही टॉपिक होता है कि आपने कब ठीक होना है वो फिर ऐसी बात करनी है कि ऐसा करते हैं कि पेशेंट चाहता है कि, कि उठ के चले जाओ वही होता था कि मैं उठ के चली जाती थी है। ही एक रह जाता है ना बात करने का कब हाँ। छोड़नी है तो आज पी कितनी है आपको दिख नहीं रहा क्योंकि बातें ये रह जाती हैं वाइफ के पास करने के लिए वो कहते थे कोई और बात कर ले मैंने मेरे पास बात यही है क्योंकि तो तो हमारी अपनी पेन चल रही होती थी है तो मैं बात ही सिर्फ एक ही आती होती है उस टाइम पे फिर ताने तूने मार के मैं प्रोवोकिंग थोड़ी सी करके मतलब टोंट टोंट मार के ना कि ठीक है उठ जाते थे okay. <laughs> मेरी बचपन से स्किज़ोफेक्टिव डिसऑर्डर है मेरे को जो मूड का और थॉट का प्रॉब्लम होता है मैं इधर आया था बिकॉज ऑफ मेनली बिकॉज ऑफ मेनिया एलिवेटेड मूड वो मेरा सबसे ज़्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था और आ, मैंने ये आ, मैरुआना करना शुरू किया था क्योंकि मेरे को ओवर थिंकिंग बहुत, बहुत होती थी तो उससे ओवर थिंकिंग चली जाती थी तो हाँ मूड

रिजल्ट आया कोई मतलब अंधेरे में हम तीर मारते रहे हम अपनी एफर्ट्स लगाते रहे से भी मैच, मैच करती है। ना। और हम और क्योंकि मतलब प्रोग्रेसिव है वो गया सो पहले इस चीज की तसल्ली कर लीजिए कि अगर आपको यहाँ ट्रीटमेंट कराना है तो सरेंडर साथ में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको भी आपकी मर्जी छोड़नी पड़ेगी पहले ये मानना पड़ेगा कि अगर किसी ने ड्रग की बात करी है अल्कोहल की बात करी है तो वो बिना नशे करने वाले पेशेंट से ज्यादा बीमार नहीं है कोई भी मतलब या एडिक्शन है या नहीं है या दिमागी बीमारी है या नहीं है या कैंसर है या नहीं है ये कहना कि थोड़ा है ज्यादा है तो अभी भी आप फिर इसका मतलब है एक्सेप्टेंस में नहीं हो देखिए क्योंकि हम यहाँ पे ना हेरोइन का ट्रीटमेंट करते हैं ना अल्कोहल का ट्रीटमेंट करते हैं हम यहाँ पे ब्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं हम यहाँ पे आपको वो लाइफ स्टाइल के स्किल्स देंगे ठीक है जिससे आप अपनी लाइफ को फंक्शनल हेल्दी बना पाओगे बट उसके लिए ये है कि अगर मैं पहले कन्विंस्ड हूँ क्योंकि अगर मेरे को मेरे को डॉक्टर दिखा रहे हैं कि ये रिपोर्ट है तो इलाज तो मैं तभी शुरू करूँगी कि हाँ जी मेरे ब्लड रिपोर्ट में आ गया कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ उसके बाद ही मैं प्रिकॉशंस लूँगी उसके बाद ही मैं दवाई लेना शुरू करूँगी अब हम देखें कि हमें सिम्टम्स हो और हम अपनी कोशिशें लगाते रहें तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे क्योंकि बीमारियों के लिए इलाज ही बना अगर आप ट्रीटमेंट राइट वे में लेते हैं तो पेशेंट की रिकवरी पॉसिबल है नहीं तो मिजरी सफ़र लंबा है और ट्रीटमेंट हमारी मर्जी से नहीं होगा ट्रीटमेंट एक्सपर्ट्स की मर्जी से होगा उसमें जब आप अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं एक महीना कर लो दवाई छोड़ दो अब सब ठीक हो गया है आप अपने वन को जानते हो डॉक्टर अपने पेशेंट को जानता है उसने दिमाग की पढ़ाई करी है वो दिमाग का डॉक्टर है उसको पता लगता है कि अभी मेरे पेशेंट में क्षमता है या नहीं है इसको अभी पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इसकी शादी अभी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इसे अकेले भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए उसमें हम दुख की बात यह नहीं है कि आपको यहाँ आने से पहले नहीं पता था दुख की बात यह है कि इतने सेशन के बाद भी ये पूरा भी पूरा बोर्ड भरकर जब हम कमरे में जाएंगे जब कल सुबह होगी तब तक हम हम ये सारे लक्षण भूले होंगे और हम अपने पेशेंट को डिफरेंट नजरिए से देख रहे होंगे दुख की बात यह है ये कहना कि हमें नहीं पता था अब तो पता है

जो हम यहाँ पे बीमारी का इलाज कर रहे हैं उसको आप हल्की मत समझिए आपने खुद देखा है कि एक बच्चे की आपके रिश्ते ख़राब हैं उस पर उस लव्ड वन का काम खराब है ठीक है घर में हमारे मतलब हमेशा संताप चल रहा है हंसी गायों पर ठीक है हमेशा हमारे घरों में टेंशन है स्ट्रेस है बेचैनी है क्योंकि हमारा अपना प्यारा ठीक नहीं है तो क्या कॉन्स्टेंट आप उनके साथ रहना चाहते हैं इस वाली फीलिंग्स के साथ तो इन चीज़ों का अगर आपने ठीक करना है तो फिर एक ट्रीटमेंट क्यों ना कराया आप किसी वकील के पास जाते हो तो वकील अपने हिसाब से वो देखता है ना कि कौन सा एक्ट होगा ठीक है कौन सा इस टाइम पे वो लगेगी इस पे धारणा लगेगी आर्टिकल कौन सा लगेगा कि हम वहाँ जा सजेस्ट करते हैं तो वाई आर दिस प्लेस अ डॉक्टर नोज द प्रोफेशनल नोज कि पेशेंट की कितनी कैपेसिटी है उसको दवाई कितनी देर चलेगी कौन सा राइट एक्शन उसके लिए बेटर है कौन सी चीज़ें उसके लिए अभी रेड स्टैंड हैं जो उसको नहीं करनी है तो लेट हिम डिसाइड